तो इस शादियों के सीजन में एक और शादी हो गई भास्कर बेड्स बेड्स स्वरा और जब से शादी हुई भाई साहब मेरे सोशल मीडिया पर ट्विटर खोल लो व्हाट्सएप खोल लो और फेसबुक खोल लो या फिर इंस्टाग्राम खोल लो हर जगह बस यही नाचते हुए नाचते हुए आप कब कह रही हैं शादी

<laughs> तो ये जो ट्रेंड हो गया है ना कि अपने से छोटे लड़के से शादी करने का नेहा देख लीजिए इनको देख लीजिए प्रियंका और निक जोनस तो मतलब एकदम वो हो गया ना लेवल सेट कर दिया कि दस साल का एज डिफरेंस हाँ। मतलब जब, जब वो दस दस साल की होगी तब निक जोनस आया होगा दुनिया में उसको पता भी नहीं होगा उसकी बीवी दस साल से है ऑलरेडी यू नेवर नो यू नेवर नो हो सकता है <laughs> हो सकता है आप भी जब दस साल की हो तो मतलब ये बताओ कि क्या लगता है ये जो हो रहा है ये जो नया ट्रेंड सेट हुआ है वो या गलत है? है अब बहुत बहुत फायदे है यार अब से छोटे लड़कों से तो तो मुझे पांच फायदे गिनाओ यार एक तो देखो यंग जो लोग होते हैं बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं एनर्जेटिक होते हैं इफ यू नो वॉट आई मीन आई गेस आई गेस ये झाड़ू पोछा करवाना चाहती है नहीं, ये बड़ी जगह हो एक्टिव होते हैं एनर्जेटिक होते हैं ये, ये बड़ी स्पिरिट होती है चीज करने की नई एनर्जी ट्राई करने की she, उनके अंदर बहुत लाइक कि मैं अपने तो हमारे भी तो बोले ना कि मेरी पत्नी हमारी दे, देवी है देवरानी बोलने देव मेरी पत्नी मेरी देवी है ऐसा भी तो करे ना तुम पांच फायदे मुझे गिना दो अपने से बड़े लड़के यार देखो अगर मैं फायदों की बात करूँ तो सबसे पहले अगर आप अपने से बड़े लड़के से शादी करो ना वो ऑलरेडी अपनी जिंदगी में ना अपना शेयर ऑफ दुख परेशानी झेल चुका है वो आपको चीट नहीं, वो चीट नहीं करेगा वो आपको चीट नहीं करेगा वो ऑलरेडी एचबी के हो चुका है हार्ट ब्रोकन <laughs> किड हो चुका है अब उसको जरूरत नहीं है कि वो अब किसी को चीट करे अब लोगों को चाहिए स्टेबिलिटी वो अपना खेल कूद कर चुका है 24 25 साल की उम्र तक जितना करना था अब उसको चाहिए स्टेबिलिटी लाइफ बोरिंग

लेकिन अच्छा है ना यार देखो कितना फील करती होंगी अगर उनका पति मतलब होगा ना मैं तुझे सिखाऊंगी आई टीच यू हाउ टू डू इट और तुम देखो यार मुझे लगता है यार लड़के भी जो है ना वो अपने हुँ. से बड़ी औरतों को ही प्रेफर करते हैं क्यों बिकॉज एक्सपीरियंस मैटर्स ओके

क्यों? क्यों जैसा मैंने बोला ऊर्जा बहुत होती है उसके बाद फिर आ, लड़कियां जो होती, हो, well होती हैं तो वो अथॉरिटेटिव और, 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 और हाँ. वो जो ट्रेडिशनल चीज है ये शादी का कि लड़के बड़े होने चाहिए लड़का मेच्योर होना चाहिए ये जो पूरा माइंड सेट है वो ब्रेक हो जाता है और आजकल तो ऑल्सो फील ऑन पार्ट अगर लड़का आपसे बड़ा है देन अगेन वो स्टेबिलिटी वाला फैक्टर आई जाता है वो भी होगा होगा तो वो भी स्टेबल ये तो am, के जमाने से see, चला रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि होना ही चाहिए बट अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब ये माइंडसेट नहीं लेके चलना है कि से छोटा तो लड़का ढूंढ गया दूसरी चीज दूसरी चीज इट इज इजी टू होल्ड कॉन्वर्सेशन विद देम आप उनसे आराम से बात कर सकते हो वो आपकी बात समझेंगे और आजकल के बच्चे आजकल के बच्चे होंगे हाँ ठीक है हाँ आशी क्या बोले अरे यार ठीक है यार मुझे नहीं बात करनी यार मी मी ऐसा कुछ भी नहीं ठीक है तुम इमेजिन करो ना कि प्रियंका चोपड़ा जब बात करती होगी तो करते बंदी ने इस वीडियो के रिकॉर्ड होने से पहले बैठ के पॉइंट्स बना है जो की पुरानी जो बातें पुरानी जो मेंटालिटी है देखो ये मेंटालिटी की बात नहीं है मगर इसको ट्रेंड की तरह नहीं ट्रीट करना है ना इफ यू लाइक इफ यू लाइक समबडी हु इज यंगर टू यू एंड इफ यू इज गुड इनफ ओके मगर इफ यू लाइक समबडी हु इज अन अटर बी जरूरी, जरूरी प्रेल प्रेल नहीं है अग्री आग्री आग्री कर रही है अग्री कर रही है मेरे पॉइंट पर जरूरी नहीं उसके साथ सेटल करना है नो 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 एज इज जस्ट अ नंबर गाइस ये एज जस्ट वाला जो लाइन है, 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 है? <laughs> 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 है साक्षी जैसे हूँ मैं <laughs> <laughs> जैसे मिलिंद सोमन बोला बस मुझे वो नंगी तस्वीर गई आंखों के सामने हाँ तो बता अब अब दो आप, आप मिलिंद सोमन को इमेजिन करना चाहेंगे हॉट नहीं लगता है नहीं हाँ बैठा के नहीं सुलाते। <laughs> जो नए लड़के होते हैं ना वो नए लड़के मतलब छोटे लड़के होते हैं वो बहुत केयरिंग होते हैं है। नहीं होता है कुछ कुछ लोग ना अच्छे भी होते हैं तेरा पाला गलत लड़कों से पढ़ा है मेरे से जितने छोटे लड़के रहे वो मेरे भाई रहे

मैंने ना? बड़ा gets married to Archie, कभी इसको एक चवन्नी का कुछ भी नहीं देना है ये बहुत इंडिपेंडेंट है ये बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमन है इसको कुछ नहीं चाहिए भाई मुझको चाहिए <laughs> <laughs> मेरे बर्थडे पे चाहिए मुझको शिवरात्रि पे चाहिए नवरात्रि पे चाहिए 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 हर वक्त प्लीज देते रहना इसको नहीं ठीक है ओके ओके मुझे नहीं लगता कोई कंक्लूजन है hmm. मुझे लगता है आपको कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके हमें बताना चाहिए निहारिका कहती है कि लड़का बड़ा होना चाहिए तो क्या दिक्कत है मैं सोच रही हूँ की बड़ा तो हमेशा बड़े लड़कों से शादी कर रखा नहीं यार ऐसा ऐसा हमेशा नहीं सक्सेसफुल कपल्स की बात करें तो रितेश देशमुख जेनेलिया डिसूजा

एकदम भी नहीं है सी, किसी, हैं। किसी, और, को, भी, किसी और, को भी आपकी इज्जत करनी होगी तो वो आपकी इज्जत करेगा और दूसरी, चीज़, और, दूसरी <laughs> चीज और दूसरी, <laughs> दूसरी <laughs> चीज और दूसरी चीज ये जो हम लोग ट्रेंड की बात कर रहे हैं अगर हम ट्रेंड को किनारे रख दे कितनी खुश लग भगवान करे करें भगवान करे वो हमेशा खुश रहे अभी मैंने मेहंदी मेहंदी वाली बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऑन दैट नोट मेहंदी वाली बात हम लोग अगले और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे आप कमेंट करके हमें बताओ कि आपको क्या लगता है ये जो चल रहा है आजकल अपने से छोटे लड़के से शादी करना ठीक है और साथ ही आप चाहे तो बड़ा हो या अज टू यू कॉमेंट में निहारिका शर्मा okay guys, ऐसे तमाम जुड़े रहने के लिए आपको शेयर करना होगा मैं आपके साथ आशीष सिंह और मैं हूं निहारिका शर्मा